34 साल की उम्र में डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी का अंत बीती 14 जून को कर दिया और उसके बाद पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। आप सब जानते हैं सुशांत के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया और अब उनके निधन पर राजनीति भी भरपूर हो रही है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ साथ यहाँ मनोज तिवारी जैसे नेता जब सुशांत के घर पहुंचते हैं, उनके पिता को सांत्वना देते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं और इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, तब उद्धव सरकार सकते में आती है, इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है और पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश देती है। आपको बता दें, 19 जून को एक आर्टिकल के जरिए ये बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस की थ्योरी में झोल है। सवाल उठाया गया कि बिना छानबीन के पुलिस ये तय मानकर कैसे बैठी है कि सुशांत ने अपनी जिंदगी का अंत किया। सुशांत के पास से जब कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, तो पुलिस ने कैसे मान लिया कि सुशांत ने अपनी जिंदगी का अंत खुद किया है। लेकिन अब मुंबई पुलिस भी मानने लगी है कि दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि सुशांत ने अपनी जिंदगी का अंत किया, यानी सुशांत ने आत्महत्या की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को संदिग्ध माना जा रहा है और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस मामले में बेहद जल्दबाजी में बयान दे चुके हैं। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस अब तक करीब 30 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। उद्धव सरकार की ओर से आए निष्पक्ष जांच के फैसले के बाद पुलिस पूरी तरह से लग गई है कि कैसे हर एक कड़ी को सुलझाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की तमाम रिपोर्ट्स आ जाने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि उनका निधन दम घुटने की वजह से हुआ है। उनके शरीर में कोई पॉइजन नहीं पाया गया। हालांकि आपको बता दें, बिहार के कई नेता जिसमें तेजस्वी प्रताप, चिराग पासवान, इन सबके नाम शामिल हैं, ये सब लगातार उद्धव सरकार पर जोर डाल रहे हैं, उद्धव सरकार पर दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, एक अलग से कमेटी का गठन किया जाए। अमित शाह तक को चिट्ठी लिखी जा चुकी है इस मामले में। फिलहाल सीबीआई जांच जैसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश अपनी ओर से जारी है। SPN9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।